हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ अपने गार्डन का अपडेट। आज है संडे और आज हमारे यहाँ संडे के दिन बारिश हुई है, तो मैं कुछ तैयारी कर रही थी विंटर गार्डन की। तो आज सुबह ही अच्छी बरसात हुई है, तो फ्रेंड्स सोचा चलिए आपको गार्डन का अपडेट दे दूं और कुछ जो तैयारी मैं अपने विंटर गार्डन के लिए कर रही हूं वो भी आपको दिखा दूं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। देखिए, खूबसूरत से फ्लावर यानी जो ये कन्हेर का प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया से चल गया है और देखिए फ्लावरिंग कितनी खूबसूरत आई है। फ्रेंड्स देखिए, कलियों से भी भरा हुआ प्लांट है और देखें कितने खूबसूरत इसके फूल हैं। और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। फ्रेंड्स, जो भी मेरे पास ओलियंडर के प्लांट हैं, मैं एक ही प्लांट नर्सरी से लाई थी येलो, और बाकी के सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यूफोर्बिया मिली की तो क्या बात है। देखिए कितने ही खूबसूरत से फ्लावर आए हुए हैं और कलियाँ बनी हुई हैं। जगह जगह देखिए कितने खूबसूरत से इसके फूल आए हैं और पूरा प्लांट आपको मैं दूसरी साइड से दिखाऊंगी भर चुका है। और फ्रेंड्स इधर भी देखें, यहाँ मेरे कुछ फ्लावर के प्लांट्स हैं, देखें काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं फ्लावर। और यहाँ पर गेंदा भी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था, गेंदा मैंने सबका सेपरेट करके लगा दिया था और कुछ गेंदा पर फ्लावरिंग भी आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स इस साइड पर दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है यूफोर्बिया मिली। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ बरसात हुई है सुबह सुबह, देखिए कितनी खूबसूरती से इसमें छाई हुई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर यहाँ कलियाँ भी बहुत ही अच्छी बनी हैं। और यहाँ पर ये जो विंका है, विंका भी काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। और यहाँ पर रेन लिली देखें फ्रेंड्स, रेन लिली भी काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं, देखें फ्रेंड। और अभी धूप नहीं निकली है तो। और इधर है हाइब्रिड विंका, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो सीड से ग्रो किया था, जो सीड से अपने आप ही मेरे गार्डन में ये लेल्टाना का प्लांट आया था, इसका कलर मुझे मैं नहीं जानती फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसको सेपरेट करके लगा दिया है और इसकी पिंचिंग भी की थी। तो अगर आप गौर करें तो देखें यहाँ पर इसका जो है निकलना शुरू हो गई है ब्रांचेस, और यहाँ पर भी छोटी सी ब्रांचेस यहाँ निकल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा एक प्लांट ये तैयार हो गया है लेल्टाना का। और ये फ्रेंड्स मुझे लगता है देसी लेल्टाना है, जो ग्राउंड्स में अपने आप ही आ जाता है, शायद वही है। तो मैंने इसको सेपरेट करके लगाया है। तो मुझे लेल्टाना का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। और इधर देख सकते हैं एस्पैरिगस भी बहुत ही अच्छे से खिला हुआ है। और यहाँ पर मेरा ये जो मधुकामनी का प्लांट है, आप सबके साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। मैं इसको सिर्फ इतना सा, आप जानते ही हैं, सिर्फ इतना सा प्लांट लेकर आई थी और इसका मैंने पिंचिंग मेथड करके देखिए कितना खूबसूरत बना लिया है और कितना लॉन्ग भी हो गया है। तो फ्रेंड्स इधर देखें, यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से प्लांट हैं, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और बीच में है ये एरोकेरिया का प्लांट, देखें कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और चलें फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिट्टी सुखाई थी, कुछ मिट्टी सुखा के मैंने इसमें भर दी है। और जो मैंने अभी विंटर की तैयारी के लिए मैं मिट्टी सुखा रही हूँ, तो मैंने कुछ प्लांट्स भी निकाले हैं, तो वही सब आपके सब दिखाना था। तो मैं छोटी छोटी सीडलिंग यानी छोटी छोटी पौध लेकर आई हूँ अपने सर्दी के प्लांट के लिए, जो मैं अभी इसको मिट्टी सुखाकर फिर इसको ग्रो करूँगी। और कुछ इस तरह से हैं फ्रेंड्स, बाकी तो प्लांट जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं वो भी फ़िलहाल से देखिए खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इधर भी देख सकते हैं ये जो मेरा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, ये भी देखें डोरमेंसी में तो जाने वाला है, लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन कलियां गिर रही हैं। और फ्रेंड्स इधर भी मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ यूफोर्बिया मिली है, देखें
इसमें भी छोटे से ही कटिंग में देखिए, कटिंग बहुत अच्छे से चली है और आप इसके रूट्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट तैयार हो गया है। और यहाँ देखें फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर के इसके जो फ्लावर हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर देखें कलियाँ बनी हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और बहुत प्यारा सा मेरा प्लांट तैयार हो गया है। और ये भी मेरा फेवरेट प्लांटों में से एक है फ्रेंड्स, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इधर सारे गुड़हल के प्लांट हैं फ्रेंड्स, हाइब्रिड हैं, देखें ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। और यहाँ मेरे तुलसी जो मैंने सीड डाले थे, देखिए काफ़ी अच्छे प्लांट हो गए हैं इनके। और इधर भी ये फायर बुश का प्लांट है, यानी हमेलिया का प्लांट है, जो देखिए दोबारा से कलियाँ बनी हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इधर मेरा जो ये बुश प्लांट है टिकोमा, देखें इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरा हाइब्रिड जो गुड़हल का प्लांट है, वो फ्लावर देखिए आ रहे हैं, लेकिन साइज़ छोटा हो चुका है फ्रेंड्स। जो फ्लावर हैं वो तो भी कंटिन्यू आ रहे हैं, और इसमें कलियाँ भी आप देख सकते हैं ढेर सारी बनी हुई हैं, लेकिन फ्लावर का साइज़ छोटा हो चुका है। और इधर मेरे मोर पंखे के प्लांट्स हैं, इधर ये देखिए ड्वार्फ वैरायटी में कन्हेर का प्लांट है, यानी ओलियंडर, देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है। और कुछ इधर भी देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मेरा जो ड्वार्फ वैरायटी का ये ओलियंडर है, देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है। और इसको तो जानते ही हैं फ्रेंड्स, ये तो हमेशा फ्लावरिंग करता है, मेरा नाग चंपा। और कुछ इधर फ्लावर भी देखें, फ्लावर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे चंपा के प्लांट हैं। और फ्रेंड्स बाकी आप सब जानते ही हैं, क्या गोरी चोरी का प्लांट देखें कितना अच्छा सा चल रहा है, और इसकी लीव्स भी काफ़ी झड़ चुकी हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने एक यूफोर्बिया मिली की कटिंग लगाई थी, जो काफ़ी अच्छे से चल पड़ी है। और इस पर भी देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, देखें। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो बुगनवेला है, देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर हैं, गुच्छों में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये भी मेरा फेवरेट है तकरीबन फ्रेंड्स, जो फेवरेट ही है मेरे सारे प्लांट्स तो सभी अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ओलियंडर का प्लांट है। मेरा अभी गार्डन उथल पुथल हुआ हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, तो अभी सेटिंग बनाना अभी बाकी है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं विनेचर वैरायटी का, यानी गुलाब का प्लांट है, तो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये क्या कहते हैं इसको फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये भी बेल की तरह भी हो जाता है, अगर आप इसको ड्वार्फ रखना चाहते हैं तो ड्वार्फ भी हो रह जाता है, तो मैं तो इसको कटिंग कर देती हूँ फ्रेंड्स। और इधर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा फ्लावर खिला है, पिंक रोज़, देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर भी ये बटन रोज़ है, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत से खिल रहा है। और ये देसी वाला गुलाब है, इसमें भी देखें कलियाँ बहुत ही अच्छी आई हुई हैं। और यहाँ देख सकते हैं चांदनी का प्लांट है, ये जैस्मिन, देखें इसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग आई हुई है। और यहाँ पर भी देखें टॉर्च बोगनविला है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। बाकी यहाँ पर मेरे कुछ प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये जो गुड़हल है ये भी ड्रावरमेंसी में अब जाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स मैं ये पॉट्स भी अभी खाली कर लूँगी। ये जो आप देख सकते हैं पॉर्चुला का, यानी पर्सलिन और ये मोसरोस लगे हैं, तो इनका तो सीज़न फ्रेंड्स ऑफ ही हो चुका है, इनकी थोड़ी थोड़ी कटिंग मैं रख लूँगी, बाकी मैं सब पॉट्स खाली कर लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने काफ़ी जो पॉट्स हैं खाली किए हैं, क्योंकि मुझे विंटर की कुछ तैयारी करनी है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है, हो रही है। और कुछ प्लांट्स जो हैं डोरमेंसी में जाने वाले हैं, जो वो मैं सब थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करके रख दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपराजिता की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, देखें। और फ्रेंड्स इस पर फ्लावरिंग आना बंद हो गई है, क्योंकि अब देखें अगर एक भी सीड यहाँ पर रह जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन फ्लावरिंग अभी नहीं आ रही है,
और कुछ फ्रेंड्स ये भी वैसे भी अब ग्रोथ से रुक जाएगा और अपनी फ्लावरिंग भी बंद कर देगा। हो सकता है अगर धूप अच्छी निकले तो ये फिर से फ्लावरिंग करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर खिले हैं। ये जो ये छोटे वाली गेंदी बोलते हैं इसको, लेकिन ये जाफरी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, कितने अच्छे इसके फ्लावर आए हैं और इसमें बर्ड्स भी काफ़ी बनी हैं। और इधर भी देखें एक फ्लावर खिला है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, इसका कलर ही बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ प्लांट्स इस तरह से हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने, आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट, मैं इसका नाम भूल गई फ्रेंड्स, मैंने इसको रूट प्रूनिंग किया था और आप देख सकते हैं छोटी छोटी पत्तियां दोबारा आनी शुरू हो गई हैं, जो पुरानी पत्तियां थी सारी झड़ गई हैं। देखिए फ्रेंड्स दोबारा से इसने ग्रोथ ले ली है, मैंने इसको रूट प्रूनिंग बिल्कुल कट कर दिया था, सिर्फ छोटी छोटी सी रूट्स रखी थी, बाकी सारी के सारी इसकी कट कर दी थी। और बाकी कुछ इस तरह से है गार्डन का अपडेट फ्रेंड्स, देखें। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स हैं, देखें ये भी मेरा कटिंग से तैयार किया कनेर का प्लांट है, देखें इस पर भी काफ़ी अच्छी जो है बर्ड्स बनी हुई हैं। और इधर लेमन है और अमरूद का प्लांट है, अपराजिता भी जो मैंने कटिंग से यानी सीड से तैयार किया हुआ है ये भी है। तो देखें फ्रेंड्स अभी तो फ्लावरिंग कर रहा है। और ये पर्सलिन छेड़ा नहीं मैंने, पर्सलिन कुछ ऐसे ही है। और ये अलमंडा पे देखिए अभी भी खूबसूरती से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ अलमंडा वाइन है जो बहुत ही बढ़िया से, देखें इसकी ग्रोथ देखिए कितनी खूबसूरत है और इस पर फ्लावरिंग भी अभी भी बहुत हो रही है। तो अभी तो धूप है ही है फ्रेंड्स, तो देखेंगे अभी ये 10-15 दिन के बाद शायद डोरमेंसी में चली जाए, देखें। लेकिन देखें आप कलियां तो बहुत अच्छी बनी हैं और देखें इसकी ब्रांचेस कहां कहां तक आ गई हैं। तो देखें फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे फूल भी आ रहे हैं, ब्रांचेस भी बहुत अच्छी हैं। और इधर देखें फ्रेंड्स काफ़ी मेरे अंगूर की बेल है जो उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और यहां पे कैलन कोई का प्लांट है जो मेरे पास एक ही प्लांट बचा था। और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस पर लीव्स रखा था, लीव्स के भी एक प्लांट निकल आया है देखिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स टिकोमा वाइन है जो बिल्कुल ही अब डोरमेंसी में जा ही चुकी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखें एक और प्लांट निकल रहा है, और ये मेरी ग्लोई की बेल है जो कि बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। और इसमें कुछ प्लांट्स भी निकले हैं सदाबहार के, कॉक्सकॉम के, देखें फ्रेंड्स। गुगु, तो फ्रेंड्स आज के लिए अपडेट में कुछ खास नहीं, इतना ही। तो मुझे अभी थोड़े बहुत काम करने हैं, तो कुछ मैं काम करके फिर आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। तो चलती हूँ मैं फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके फ्रेंड्स बाय।